नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आदिलाबाद जिला भर में हर तरफ दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तरह नारनूर मंडल केंद्र में भी धूमधाम से मनाया गया। हर एक व्यापारी अपनी अपनी दुकानों में लक्ष्मी पूजा अर्चना की और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इसी तरह मंडल केंद्र के सुप्रसिद्ध मेडिकल व्यापारी गजानन कुमावार और उनकी पत्नी मीनाक्षी कुमावार ने लक्ष्मी पूजा कर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नारनूर मंडल से वरिष्ठ पत्रकार पाशा खान की रिपोर्ट। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और इसी शुभ अवसर पर माता महालक्ष्मी की पूजा हर वर्ष किया जाती है। तो सनातन धर्म में दीपावली का पर्व विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि धन की देवी महालक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है। वही जो कोई उनकी इस दिन सच्चे मन से आराधना करता है वह उस पर अपनी कृपा बरसती है। कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अयोध्या में महाराज दशरथ के घर प्रकट हुए थे। श्री राम वहां उनके पुत्र के रूप में रहा करते थे। समय के साथ जब वह बड़े हुए तो उनकी सौतेली माँ ने लालचवश श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। अपनी माता की आज्ञा मानकर वह 14 साल के लिए वनवास चले गए। उनके साथ देवी सीता और लक्ष्मण भी गए। अयोध्यावासी श्री राम से अत्यंत प्रेम किया करते थे। 14 वर्ष बाद जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को श्री राम लौटकर अयोध्या आए थे तो सभी अयोध्यावासियों ने उनके आने की खुशी में दीपक जलाए। तब से ही दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये क्योंकि यह त्रेता युग की बात है, फिर भी उनके प्रेरणा से आज भी इस कलयुग में दीपावली मनाई जा रही है। दीपावली यानी दीपोत्सव। बाहर से तो दीप जलाते ही है, परंतु सही दीप तो दिल में प्रज्वलित करना चाहिए। दिल में यदि अंधेरा हो तो बाहर प्रकटे हजारों दीप निरर्थक हो जाते हैं। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। दिल में दीपक जलाना अर्थात निश्चित समझदारी से दीपावली का उत्सव मनाना। धनतेरस के दिन वित्त को अनर्थ न मानकर जीवन को सार्थक बनाने की शक्ति मानकर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन जीवन में नरक निर्माण करने वाले आलस, प्रमाद, अस्वच्छता, अनिष्टता आदि नरकासुरों को मारना चाहिए। दीपावली के दिन तमसोमा ज्योतिर्गमय मंत्र की साधना करते करते जीवन पथ प्रकाशित करना चाहिए। जीवन की बही का लेखा जोखा बनाते समय जमा में इष्ट कृपा रहे, इसलिए प्रभु कार्य के प्रकाश से जीवन को भर देना चाहिए। नए वर्ष के दिन पुराना वैर भुलाकर शत्रु का भी शुभ चिंतन करना चाहिए। नया वर्ष यानी शुभ संकल्प का दिन। भयादूज के दिन स्त्री की ओर देखने की भद्र दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए और भाई को स्नेह से समस्त स्त्री जाति को बहन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसी सुंदर समझ देने वाला ज्ञान दीपक यदि दिल में प्रकट हो तो हमारा जीवन सदैव दीपोत्सव बना रहेगा। इसी शुभ कामना के साथ माता महालक्ष्मी को प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों के ऊपर पूरे भारत वर्ष में और सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। यह कामना करते हुए माता महालक्ष्मी का
हमारे ऊपर हमेशा कृपा बरसती रहे और उनका आशीर्वाद रहे, क्योंकि हमारा भारत देश सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है। और जो लोग छोटे दिल के होते हैं वह कहते हैं कि अयम निजा परोवीति गणना लघु चित्तसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। हमारे भारत देशवासी वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, इसलिए सभी मानव जाति के लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे और कृपा बरसते रहे। यही कामनाओं के साथ फिर एक बार पुनश्च सभी को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हैं।